उस महिला के साथ रंजना किन्नर दुष्कर्म करवाई और उसी चीज का वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी थी। बताइए, उसे एक पैसे की शर्म नहीं है कि वो क्या कर रही है। एक तो गलत चीज करवाई, ऊपर से वीडियो बना के डाल दी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते और जय भीम। मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल खुशबू राज ब्लॉग में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रंजना किन्नर इतना बड़ा कांड कर दी है, किसी को अभी तक दिखाई नहीं दिया है और देगा भी क्यों? क्यों कोई देखेगा, क्यों कोई आवाज उठाएगा उस महिला के खिलाफ में, या जिस महिला के साथ में गलत हुआ है उस महिला के सपोर्ट में क्यों देगा? क्योंकि वो महिला चमार थी। क्या चमार इंसान नहीं होते? ऑर्केस्ट्रा में गाने नाचने वाली वो महिला थी और चमार थी। चमार के साथ कोई कुछ भी कर सकता है, यही हम समझेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे उस महिला का, उसके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाओगे तो क्या कोई समझेगा? अगर गोरखपुरिया भौजी का ही पर मैटर होता तो आप सब देख लिए होते। सही सुनते या गलत सुनते, सीधे कैमरा उठाते, वीडियो शूट करते और यूट्यूब पे डाल देते, पब्लिक को यही सब दिखा देते। इतने पत्रकार भाई भी हैं, मालती का उतना दिन तक मैटर चला, इतनी बड़ी बात सुने, तुरंत मालती के पिता के पास या विष्णु भैया के पिता के पास पहुंच गए, सही गलत खबर लेके डाल दिए। अभी यहीं पर देख लीजिए, रंजना किन्नर का बात नहीं कि वो कोई जान पाया और नहीं यूट्यूब पे पड़ा। सब लोग मतलबी हो गए हैं। हम तो लड़ेंगे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, क्योंकि वो चमार थी लड़की। जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है वो चमार थी और मैं भी चमार हूँ। मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं बोलूँगी। मैं रंजना के खिलाफ में अब तक वीडियो नहीं बना रही थी और मैं जान भी नहीं पाई, पर जब से मैं जानी हूँ तब से मैं चुप नहीं हूँ और मैं चुप रहूँगी भी नहीं। जो मेरे जाति के साथ करेगा दुष्कर्म या कोई घिनौना काम, तो उसका यही सजा होगा, यही हश्र होना चाहिए। इससे भी कड़ी सजा हो, मैं चाहती हूँ रंजना किन्नर को इससे भी बड़ी सजा हो। लोग चमार को खिलौना बना के रख दिए हैं। अभी मैं कल एक वीडियो बनाई थी और जीती जीती धाराएं लगी है और मैं स्क्रीनशॉट इसमें लगा दी थी अपनी वीडियो में और आप लोग देखे ही होंगे, पर अखबार में भी निकला है और अखबार में सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप लोग उस सबको देख के वीडियो बना दिए होते, क्या अखबार नहीं पढ़ते? अगर नहीं पढ़ते हैं तो मैं अभी डाल दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा। सबको नहीं, जो कंट्रोवर्सी फैलाते हैं छोटी छोटी बात सुन के, मैं उनको बोल रही हूँ, चाहे गलत लगे चाहे सही लगे, चाहे बड़े क्रिएटर हों या छोटे हों, जो कंट्रोवर्सी करते हैं उनको आवाज़ उठाना चाहिए रंजना के खिलाफ में और उस लड़की को का सपोर्ट करना चाहिए। वो लड़की चमार थी और वो लड़की ऑर्केस्ट्रा में गाती नाचती थी। उसकी कोई मजबूरी रही होगी, अपने शौक से कोई चीज़ नहीं कोई करता है, उसकी मजबूरी ही करवाती है। तो ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी गाती थी, उससे क्या हुआ? वो भी तो इंसान है। ऐसे ही चमार को सब मोहरा बना के चमार का कुछ भी कर देंगे, अगर करेंगे तो भोगेंगे। मैं चाहती हूँ कभी जमानत ना हो रंजना किन्नर का। मिल जाएगी ना तो इतना मारूंगी उसे ना, कि जो किन्नर है और अपना टैलेंट और जो क्या क्या दिखाती है उसका सब भूल जाएगा। वो किन्नर है तो क्या हुआ, उसे सब भगवान मानते हैं ना किन्नर को। कैसा भगवान? भगवान को लोग तो भगवान मान ही नहीं रहे हैं, भगवान को सब गाली दे रहे हैं। वो तो इंसान है, नहीं देखेंगे लोग? बना दीजिए उसके सपोर्ट में, उस लड़की के सपोर्ट में वीडियो बना दीजिए, एक चाहे एक ही मिनट का बनाइए, पर बनाइए। जो दुष्कर्म किया है लड़का, उसका नाम है राहुल और वो निवासी सिद्दीकपुर, जो कि उसके ही जिले का वो लड़का है, जौनपुर ही जिले का है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। रंजना भी गिरफ्तार हुई है और मालती का मामला आया तो इतने लोग वीडियो बना बना के डालने लगे, जो था नहीं वो भी बना के डाले, जो था वो नहीं डाले, जो नहीं था वो उस चीज का वीडियो बना बना के डाले, और वीडियो बना बना के डालने में उसकी जान ही चली गई। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी फैलाए, इतना बड़ा
ढोंग रचे यूट्यूब पे व्यूज के लिए कि वो उसी चक्कर में बिचारी इस दुनिया से चली गई, पर इस चीज को लोग नहीं देख रहे हैं। मैं इस चीज पे बोलूंगी, हजार बार बोलूंगी, क्यों नहीं दिखाई दिया? इतने लोग वीडियो डाले हैं, आज 10-12-15 दिन हो गया, किसी पर्चे की मोहताज नहीं है रंजना किन्नर, तो देखना चाहिए था ना। दो चार बात बोल दिए होते तो क्या कुछ चला गया होता? नहीं जाता, पर बहुत लोगों को मजा आ रहा है कि छोटी जाति की थी, चमार थी, चलो कर दिया ऐसा, तो क्यों कर दिया? क्या छोटी जाति है तो इंसान नहीं है? किसी से कम खा रहे हैं, किसी से कम पहन रहे हैं? आज बाबा साहब भी चमार थे, उन्हीं की वजह से लोग आजादी से जी रहे हैं, चाहे जहां आ जा रहे हैं, बाबा साहब की देन से। और बाबा साहब भी चमार थे, मुझे गर्व है अपने जाति पर, मुझे गर्व है, इसीलिए मैं चमार बोलती हूँ, मैं चमार हूँ, मुझे गर्व है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखिएगा और अपना राय बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, पर आप लोग बताइएगा और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा।